मैं ना भाई चैनल पर सारा ना मोकली मोकली राम राम और यहाँ सहयोग करने का धन बहुत बहुत बधाई धन्यवाद दिलू। और यहाँ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करियो अपने चैनल ने। और आज आप रक्षाबंधन क्यों मनाई जे कद मनाई जन लागी और सब पहली ने कड़ मनाई आ कथा सुनाऊंगी मैं थाने, तो सुनियो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करियो। तो ठीक है, तो एक समय की बात है जब कहानी सुनो थे, तो एक समय की बात है जब राजा बलि है जो को बहुत ही पराक्रमी और धर्मी और ज्ञानी हो, तो भिंगा बराबर दूसरो इंद्र भगवान भी कोनी हो जो को सर्वग सियासन करतो। तो बलि महाराज यहाँ सोचो जान भाई अब तू इतो दानी है, इतो थोड़ो अहंकार सो आ गयो मन में, अरे तू इतो ज्ञानी है, तेरा बराबर तो कोई दुनिया में कोनी, सार भाई तीनों लोक में तेरी कीर्ति है, तो बने स्वर्ग लोक ने आप का अधीन करने खातर यज्ञ करना शुरू कर दियो। यज्ञ करनो कर दियो तो सारा देवता त्राई माम कर गए। यहाँ बोलिया भाई अब यहाँ तो फिर आ तो उल्टी हो जाएगी भी, आज विधि को विधान मनाएडू है कभी स्वर्ग वो देवता तो इंद्र ही रहेगा और भाई ब्रह्मा विष्णु महेश आप ही जगह है, तो भाई मृतलोक मुँह आगे भाई राजा बलि मृतलोक में कब मृतलोक मुँह आगे सरोगो सियासन को कर ले सके। तो ऐ भाई पहली ब्रह्मा जी कन गया, ब्रह्मा जी आने शिव जी कन भेज दिया, शिव जी फिर आने महेश कन भेज दिया क्या भाई थे जाओ भगवान विष्णु कन जाओ वो करेगा थारो। तो विष्णु भगवान है जो को भाई सोच विचार गए पलक लगा के देखे, या सोचो कभी क्यों करी तो सत हरनो पड़ा हो सत ना रहो तो इतो बड़ो हवन कर यज्ञ कर ला रहे हो सफल होता ही यूं ऊपर तो कोई देवता भी खोर रहा को अर विधि को विधान बिगड़ जाओ, तो बन के करियो वामन का अवतार करके यज्ञ पर बैठो रहो सुबह सुबह जद, तो वो बैठा मना कौन कर तो कोई भी चीज हो, तो वामन अवतार बावन रूप ले गए और बांग भिक्षा लेन जावे। तो भाई बहुत आदर सत्कार कर तो भी है राज्य में, राज्य में कोई गरीब कोई ब्राह्मण कोई पंडित कोई शास्त्री कोई विद्वान आए कर तो भी आदर सत्कार कर गए और भी इच्छा पूछे कर तो भगवान बलि है जो तो बन है जो फिर यहाँ करियो कह भाई के मांगो थे ब्राह्मण देवता बताओ थे, तो बोले जी पहले मैंने वचन देव मेरा बच्चा चुको कभी थे भी मेरी बात मांगे पच्छे थे मुकरोगा कोनी हटोगा कोनी ना ना आस्था इसी हो कोनी, बलि राजा तो आपकी नाड़ उतार के दे देंगे कह दियो थोड़ा सा घमंड सा में कह दियो, गुरु विशिष्ट और वेद व्यास तो ना भी ने थोड़ा सो इशारो तो करियो लेकिन वो फिर आपकी बात को पक्को ही हो, बोलियो ना दे तुम ना मानेंगी जो को आई हुए नहीं जो को कोई भाई विशेष आदमी है कोई छोटो मोटो आदमी को नहीं है कोई, तो करना कोई हो चाहिए अब तो मैं वचन दे दियो, तो बोले भाई वचन दे दियो तारा वचन जो भाई टूटे तो मैं धोबी कुंड में कांकरी होगी तो जो कह ठीक है सुकूंगा जो फिर बने जो को कभी मैंने तो तीन पग धरती सी है जो जितो जोर को हंसो कह देख तू इतनी छोटी सी चीज खाते इतो बड़ो वचन भरवाई हो मेरे को जल ले गया तो मैं तो कह ना ना तू दे तो सही हाँ तो भर कल ले भरी का तो कठुई ले ले गौशाला में ले ले तारण मु ले ले कठुई ताल मु ले ले और न तो तीन पग धरती तो थे राजमहल मु ले लियो मार तो आश्रम आश्रम में धर्मशाला की धर्मशाला है बाकी सी ले लो थे की ले लो थान क्या खाते चाहिए कह ना मन तो थे तीन पग दे दो तो एक पग में आकाश दूसरे में पाताल तीसरे में भूलोक तीनों लोग जो को नाप गए रात दो पग बाकी छोड़ दियो जो को भी कहो कह भाई वेब कठे रखो जो बने बलि राजा आपको सिर मार दियो ई पर रखो, तो बिंग बाद कियो बलि राजा तो बिंग से बिंग नीचे हो गयो क्यों बिंग सिर रखवा लियो, तो बिंग वो अवन बैठे ही रह गयो और देवता आपको राज करियो राज करियो। जो फिर बण भाई विष्णु भगवान या कहो कभी देखता ही तो बड़ो मेरो वचन निभायो है तो तू भी मांग मैं तेरी भक्ति हूँ और तेरी शक्ति हूँ और तेरे दान देने के बहुत खुश हूँ, तो बन या कहो कभी मैं तो
थे बन, फिर आपको रूप दिखा दियो, विष्णु भगवान रूप दिखा दियो। बोले मन ना और के चाहिए हो, मन तो ही चाहिए हो भाई, मन तो भाई तारण कर होना चाहिए, जन्म हूँ मन भगवान मिल गया और के चाहिए, मन क्या मिसी है इंद्र गो शास्त्र ने क्या मिसी है मन। और फिर बने चुको बोलियो तो फिर भी मांग का महाराज मन थे थार सागर ले चलो। तो अब सागर उड़ गया दोनों का दोनों, नागलोक में जाके धरती में समा धरती के गर्भ में चले आ गया दोनों। अब चले आ गए लक्ष्मी जी ने पतो चलियो, लक्ष्मी जी ने पतो चलियो भाई विष्णु भगवान ने बिंग सागर जा गिरिया सोया के वह 4 महीना जी देते चौमासो वो है बजे। तो इन अंदर योग निंद्रा में सुत्या रहे भगवान विष्णु। तो बिंग अंदर वह चले आ गया दोनों दिन। फिर लक्ष्मी जी है नी बाली और जठे भगवान विष्णु है नी बैठे गई का मारी बन गई दासी वांग सेवा करी, सेवा करके फिर नी आज के पूर्णिमा का दिन सावन की पूर्णिमा का दिन है राजा बलि के राखी बांध गेर। बोली मैं तेरी बहन हूँ और तू मेरी एक इच्छा पूरी कर दे करके कहीं भाई तेरे सागर वो है नी जो भगवान ही मेरे सागर भेज दे वो मेरा पति है। तो बोलियो भाई मैं भगवान ने तो कौन भेज सकूँ। तो फिर है जो दोनों कसम कसम फिर बोलियो भाई तय मेरे रक्षा बांध सूत्र बांधे हुए है बिंग बदला मैं तेने की देना तो चाहूँ। तो बोले देव है नीच तो तू ही नहीं दे। फिर भगवान बोलिया भी थार दोनों लांग बीच की बात आया का मैं रहा भगवान वाली का ने 4 महीना चौमास चौमास आऊंगा जगह सावन और बाद वो असोज और कार्तिक की 11 ने जाऊंगा इतना मैं तेरे का नहीं रहूंगा जो 4 महीना। तो रव भगवान बाली का ने विष्णु भगवान और 8 महीना रवे भैया आपका स्वर्ग लोक में। तो आ कथा ही जो पहली बार राखी कण मांदी है अरे इन बात दूसरी की है का दूसरी या कथा है का महाभारत के अंदर कृष्ण भगवान जद पिंगो वध करियो नी ये नाम कृष्ण भगवान के बांदी रुक्मणी को ब्याह वो बिन सके जद शिषपाल का शिषपाल गए ने जद मोत के घाट उतारियो नी जबी चक्कर गी सुदर्शन चक्कर गी लाग के आंगली कट गई हाथ गया थोड़ी या लाग गी नी जो बैठे नी द्रौपदी द्रौपदी जो द्रौपदी बैठे आप गी पल्लो पाड़ गए और भाई गए आंगली गए बांधी खून आओ बैठे। तो बैठे भगवान कृष्ण या कहो भाई तय मेरा रक्षा सूत्र बांधी हो नी इंगो मैं तेने बदलो उतारूंगा बहन। अरे वाह बहन। तो फिर जद इन जरूरत पड़ी द्रौपदी ने इन चीर हरण हो तो भगवान भी रक्षा सूत्र गोई तो आपको बदलो उतारियो। तो आ कथा है दोनों दोनों पहली बार शुरुआत में तो लक्ष्मी जी बांधी राजा बलि गए दूसरे बांधी द्रौपदी बांधी भगवान कृष्ण गए। तो इया ही भाई हर एक बहन ने आपका भाई के राखी बांधा है तो भाई ने आपको फर्ज निभानो चाहिए जरूर। धन्यवाद बहनों सुनने खातर मुकली मुकली राम राम मानती रही।